कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बावजूद चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट में लोगों द्वारा काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों के साथ साथ दुकानदार भी मास्क ना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पर लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति चौधरी प्रकाश टीवी से, और आज हम मौजूद है सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की थर्ड वेव आने को है, और इस चलते काफी ज्यादा प्रिकॉशंस अपनाए जा रहे हैं, पर इसके चलते भी सेक्टर 22 के अंदर काफी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। चलिए सबसे पहले उन लोगों से जानते हैं जो इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे। हिमाचल से हैं, तो अभी हमें कुछ काम था यहाँ पे, लाचा है विजिट दिया, पर यहाँ पर क्राउड इस वक्त तो कम है, लेकिन शाम को आओ तो और भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पर। एंड मोस्टली जो देखो लोगों को, दे आर नॉट केयरिंग मास्क, काफ़ी पीछे ही चले हुए हैं। थर्ड वेव को लेकर के काफ़ी माहौल बना हुआ है कि थर्ड वेव आ नहीं रही है, उसे बुलाया जा रहा है। मैम अभी आपको मतलब अभी आप यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, और करना स्टार्ट कर रहे हो, कितने आप कस्टमर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने सिर्फ मास्क लगाए हैं, बट जनरली जब हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे हम हिमाचल की बात करें, तो वो पहले सैनिटाइज करवाते हैं हम लोगों को बिफोर एंटरिंग द स्टोर। वो कहते हैं कि मैम प्लीज़ गेट योर सेल्फ सैनिटाइज। तो यहाँ पे एज सच मैंने कोई भी इस तरह का प्रिकॉशन नहीं देखा। मास्क भी आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ने नहीं लगाए हैं, माइनॉरिटी ने मास्क लगाए हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे यही देखा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थर्ड वेव मेनली बच्चों को हिट करने वाली है, और सेक्टर वाइज में हम काफ़ी जगह देख चुके हैं कि बच्चे मास्क नहीं लगा रहे। तो आइए अब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके साथ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं। मैम जैसे कि अभी थर्ड वेव आने वाली है, और हम जैसा कि जानते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, आपका क्या कहना है? बच्चों को भी मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना सबके लिए एक बार है, वो देखते भी अटैक करेगा, और अब थर्ड वे आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बच्चों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीन भी लगवाना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग भी कुछ रहता मतलब सरकार को करना चाहिए कि बच्चों का भी कुछ मतलब इसमें हो सके कि उनके अकॉर्डिंग वैक्सीन आ सके, या कुछ भी मतलब ऐसा कि उनसे हम अपने बच्चों को सेफली महसूस कर सकें। सब बच्चों को मास्क जो है यूज़ करना चाहिए। और मैम जैसे कि अभी यहाँ पे बड़े भी हैं लगा रहे हैं मास्क, पर कि मतलब आपको थोड़ा अनसेफ फील हो रहा है यहाँ पर घूमने, मतलब काफ़ी लोगों ने मास्क लगा के शॉपकीपर सब के मास्क लगा रहे हैं, शॉपिंग करते टाइम कुछ अनसेफ फील हो रहा है। ये सपोर्ट डेफिनेटली होता है, क्योंकि सभी इक्वल है, सबको मास्क लगाना चाहिए। हम भी अपनी प्रिपरेशन और सामने वाले के लिए भी मास्क लगाते हैं, तो सबको लगाना चाहिए मास्क, तो अनसेफ डेफिनेटली होता है। तो आपको मतलब कुछ है कि मतलब आप किसी को शॉपकीपर की सेफ्टी है? हाँ, मतलब सबके लिए कंपलसरी करना चाहिए मास्क, और जो अभी हमारी गवर्नमेंट पुलिस है उनको अवेयर होना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह सबने मास्क लगाया है, नहीं लगाया है, जो भी बताए गए हैं वो सब प्रॉपर ध्यान रखें, ये सब बताना चाहिए। लोगों से जानने के बाद आइए हम जानते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कि आखिर इन सब पे उनका क्या कहना है। सर आपका नाम? दीप सिंह राणा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। हम मेरे पास चार सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर 16, 17, 22 और 23। इन चारों सेक्टर्स में हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं या मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं, तो उनको हमें चलानी करनी होती है। तो हमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके मुताबिक हम चलान करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 15-20 चलान हम रोज करते हैं, तो लोगों को वैसे अवेयर भी करते हैं भी मास्क पहनो, सो डैट कि ये जो आपदा आई है उससे बचाव हो सके। तो इसके बावजूद भी काफ़ी लोग नहीं मानते, तो फिर उनका हम चलान करते हैं। सर मतलब अभी आप जैसे कि किसी को बोलते हो कि आपका चलान होगा क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना, तो काफ़ी लोग इससे ऑफेंड भी हो जाते हैं,
मतलब कि दे गेट ऑफेंडेड कि हमने मास्क लगा रखा था, हमारा चालान नहीं चाहिए, तो आप उससे कैसे हैंडल करते हो, टैकल करते हो? ऐसे एटीट्यूड तो मैक्सिमम जिन लोगों की हम चलानी करते हैं वो लोग करते ही हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स होती है चंडीगढ़ जो पुलिस है उसको हम कॉल कर देते हैं, या जैसे यहाँ पे बीट बॉक्स पे हैं आज कितने चलान, तो यहाँ से हेल्प ले लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस वालों की, हो जाता है तकरीबन, मैनेज हो जाता है। सर आज अभी तक आपने कितने चलान, मतलब अभी कितने लोगों के चलान काटे अभी तक? हमने अप्रॉक्सीमेट 12 चलान काट दिए हैं, तो देखते हैं, और तो मैक्सिमम आज लोगों ने मास्क डाल रखा है, तो वही चलानिंग आज की डेट में कम है, अदरवाइज लास्ट वीक बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो मोस्टली जो लोग बाहर से आते हैं उनमें ज़्यादा वो दिक्कत रहती है कि वो बिना मास्क के आते हैं, तो देर आफ्टर वो आके एक्सक्यूज करते हैं कि हमें पता नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, तो बीइंग ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है ये, तो इसलिए हम चलान करते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने देखा कि सेक्टर वाइज के अंदर काफ़ी लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की, लोगों से भी बात की, तो आखिर में यही कंक्लूजन आया है कि लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है और इतने ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे कोरोना के थर्ड वेव को लेकर, तो मेरी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और सेक्टर वाइज के इस मार्केट को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।